हमारा मेन काम है 35 साल से अंकुरित दाल मोठ का। दाल मोठ का काम आपका 35 साल से अंकुरित। तो दाल मोठ नॉर्मल और अंकुरित दाल मोठ में क्या फर्क होता है इसमें? अंकुरित दाल मोठ में शरीर के लिए फायदेमंद होती है और वैसे आदमी घर में नॉर्मल खाता है जिनको बनाने नहीं आती। ये अंकल है, अंकल कब से आ रहे हो दाल मोठ खाने? 35 साल हो गए मेरे। 35 साल से दाल मोठ खाने आ रहे हो आप अंकल के यहाँ की? तो ये भैया अंकल कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ पे? 15 साल। 15 साल से डेली आ रहे हो आप? तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं चौड़ा रास्ता SBI बैंक के पास में। ये एक भैया की स्टॉल लगती है यहाँ पर, शंकर दाल मोठ भंडार के नाम से। तो ये है यहाँ की स्टॉल अंकल की। ये है अंकल, इनकी स्टॉल है। अंकल क्या क्या है आपके यहाँ पे? हमारा मेन काम है 35 साल से अंकुरित दाल मोठ का। दाल मोठ का काम आपका 35 साल से अंकुरित। तो दाल मोठ नॉर्मल और अंकुरित दाल मोठ में क्या फर्क होता है इसमें? दाल मोठ शरीर के लिए फायदेमंद होती है और अच्छा। वैसे आदमी घर में नॉर्मल खाता है जिनको बनाने नहीं आती। अच्छा, और ये और क्या क्या वैरायटी है दाल मोठ के अलावा? पपड़ी चाट है। और क्या क्या इनकी प्राइस है? अच्छा, ये मेन्यू है इधर। तो ये है भैया के यहाँ का मेन्यू। ये मेन्यू है भैया के यहाँ का। 1985 से लगा रहे भैया यहाँ पे स्टॉल। ये इनका मोबाइल नंबर है। और इधर ये भैया कर रहे हैं छोले। ये भैया छोले या चने कौन से? नहीं नहीं, ओरिजिनल छोले बनाते हैं, मिलावट वाला काम नहीं। छोले बिल्कुल। अच्छा, छोले समोसा, छोले कचौरी, दाल पकवान। अच्छा, सब आपके पास है। तो हम भैया के यहाँ मेन्यू ये भी है। अच्छा, एक इधर भी है क्या मेन्यू? तो ये एक मेन्यू ये है। तो ये भैया अंकल कितने साल से आ रहे हो आप यहाँ पे? 15 साल। 15 साल से डेली आ रहे हो आप? और क्या खाते हो आप यहाँ पे? डेली नहीं, फिर भी महीने में 3-4 बार। अच्छा, मतलब अंकल के यहाँ पे आप 15 साल से आ रहे हो। और क्या पसंद आता है आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा? भेलपुरी। मतलब भेलपुरी स्पेशल है एक तरह से अंकल के यहाँ के। ये अंकल है, अंकल कब से आ रहे हो दाल मोठ खाने? 35 साल हो गए मेरे। 35 साल से दाल मोठ खाने आ रहे हो आप अंकल के यहाँ की? एक ही अंकल है। अंकल कब से आ रहे हो यहाँ दाल मोठ खाने? 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से आ रहे हो आप? तो वो देख सकते हो आप, कोई यहाँ 35 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से। मतलब बहुत ही ओल्ड शॉप है इनकी यहाँ पे। तो आप ज़रूर आए यहाँ पे ट्राई करने एक बार भैया के यहाँ पर। तो जैसा कि अभी आपने सुना, भैया के यहाँ की भेलपुरी और अंकुरित दाल मोठ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम यहाँ की ट्राई करते हैं भैया के यहाँ की दाल मोठ। तो ये अंकल ये क्या लगा रहे हो आप? ये समोसा चाट। समोसा चाट, समोसे को क्रश करके इसमें भैया डाले छोले। चिलचोटा है ना? ये क्या है? मीठी चटनी। मीठी चटनी, चाट मसाला। चाट मसाला, ये प्याज। और कुछ इस तरह से रेडी होती है समोसा चाट। वैसे होती है रेडी। ये लगा रहे अंकल अंकुरित दाल मोठ। मिर्ची तेज खाते हो? मीडियम। ये क्या था अंकल? ये चट्टन चट्टा। चट्टन चट्टा, ये हमारी फेमस चम्मच। ये फेमस चम्मच अंकल जी, बचपन से हम ग्राहकों को यही चम्मच देते। तो हमने अंकल के यहाँ की दाल मोठ ट्राई करी है अभी, जो कि स्पेशल लगाते हैं अंकल अंकुरित दाल मोठ। अंकल क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर नाम है आपका। तो आप जब भी चौड़े रास्ते आए
इनके यहाँ की चाट जरूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया है।